अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आज तक उर्दू। अम्मा मुझे लेने आई है। इरफान खान की मौत से कबल कलेमात सोशल मीडिया पर वायरल। गुज़श्ता रोज़ अदाकारा इरफान ने दुनिया से रुखसत होने से कबल अपनी अहलिया से कहा था कि अम्मा इन्हें लेने आई है और इन्हें यकीन है कि वो मर जाएंगे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान खान ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में मरहूम वालदा को मुसलसल देख रहे थे, जिनका इंतकाल अदाकारा के इंतकाल से 3 रोज़ कबल हुआ था। वो लॉकडाउन के बाइस इनके जनाजे में शिरकत नहीं कर सके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान खान के पास आखिरी वक्त में इनकी अहलिया, बेटा और बाबील साबिक मैनेजर आसिफ और ड्राइवर हशमत मौजूद थे। दुनिया से रुखसत होने से कबल इरफान खान ने अपनी अहलिया से कहा कि देखो मुझे अम्मा लेने आई है, वो मेरी तकलीफ कम करने आई है। आखिरी कलामात अदा करते हुए अदाकारा ने अपने अहलिया से ये भी कहा कि मैं हार चुका हूँ, अब मुझे यकीन है कि मैं मर जाऊंगा। अम्मा कमरे में मौजूद है, देखो वो मेरे साथ बैठी है, मुझे लेने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इरफान खान की अहलिया शोहर की बातें सुनकर जज्बात काबू में न रख सकी और जोरों कतार से सोने लगी। इस दौरान इरफान खान की तबीयत बिगड़ी, जिसके 1 घंटे बाद डॉक्टर्स ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी। वाज़ेह रहे कि 53 साल इरफान खान को लून बड़ी अंत के इन्फेक्शन के बाइस मुंबई के कोकिला बहन धीरू भाई अम्बाई अस्पताल में जेरे इलाज थे, जहां वो गुज़श्ता रोज दुनियाए फानी से कूच कर गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, आज तक उर्दू चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।